नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है अपने फेशियल हेयर को कैसे रिमूव करें, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है जो कि अपने फेशियल हेयर को रिमूव करना चाहते हैं, वो भी घरों में। इसमें कोई भी मैंने ट्रिमर का इस्तेमाल नहीं किया है, ना ही रेजर का इस्तेमाल किया है। इसे होम रेमेडी से ही अपने फेस के हेयर को रिमूव किया है। वो कैसे किया है ये मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, हमारे फेस पे जो इस एरिया में और अपर लिप्स में ज़्यादातर हो जाते हैं, जो कि बार बार हमें पार्लर जाना पड़ता है अपने फेस में, रेजर से रिमूव करना बार बार ये ठीक नहीं होता है हमारे फेस के लिए। हमारे जिसके फेस स्किन सेंसिटिव होती है उसके लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है ये। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आप अपने घरों में अपने फेशियल हेयर को कैसे रिमूव करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो होम रेमेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये मैंने अपने घर के सामानों से बनाया है। इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है, बेझिझक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने इस्तेमाल किया है ये आपके घरों में ही है। तो फ्रेंड्स, आप अगर चाहते हैं कि आपके अनवांटेड फेस हेयर रिमूव हो जाए, तो एक बार इस होम रेमेडी को आप ज़रूर ट्राई करें। इससे कोई भी, अगर आप इसे रेगुलरली हफ्ते में एक बार करते हैं तो आपके हेयर बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे, आपके चेहरे में ब्राइटनेस आ जाएगी। हमारे चेहरे पे जो छोटे छोटे बाल आ जाते हैं, इससे हमारा स्किन थोड़ा डार्क दिखने लगता है, तो आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। ये होममेड रेमेडी है, इससे कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं। बस थोड़ा सा मेहनत से आप अपने अनवांटेड हेयर को, फेस के अनवांटेड हेयर को रिमूव कर सकते हैं। तो बेझिझक आप इसे इस्तेमाल करिए, इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट होने वाला नहीं है आपको। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे सारे नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। तो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं इस होममेड DIY होम रेमेडी को बनाना शुरू करती हूँ। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, तभी आप जान पाइएगा कि मैंने ये कैसे बनाया है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो के अंत तक, तब तक मैं इसे तैयार कर लेती हूँ, अपने चेहरे पे भी अप्लाई करके बताऊंगी ये आपको कैसे लगाना है, कैसे रिमूव करना है, और लगाने के बाद आप रिमूव करने के बाद आपको वो क्या प्रोसेस है जो कि आपको लास्ट में करना है। तो फ्रेंड्स, तो बनाना शुरू करते हैं। इस रेमेडी के तैयार करने के लिए ले लेना है एक पैन। इसमें डालना है आपको 4 चम्मच पानी, याद रहे आपको 4 चम्मच ही पानी डालना है, और 4 चम्मच ही इसमें दूध डालना है। आप रॉ मिल्क भी ले सकते हैं, यानी कि कच्चा दूध भी ले सकते हैं, कोई भी दूध ले सकते हैं। इसके बाद जो इसमें ऐड करूँगी वो है चीनी। आप 1 चम्मच इसमें चीनी ऐड कर दें, अगर छोटी चम्मच है तो इसमें आप थोड़ी ज़्यादा ऐड कर सकते। इसे हमें अच्छी तरह से उबाल आने तक पकाना है, और तब तक इसे चलाना है जब तक ये आधा ना हो जाए। याद रहे आपको आधा कर देना है इसे चलाते हुए, और इसके बाद जो आधा से भी अगर कम हो जाए तो ठीक है, पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये थोड़ी पतली हो जाएगी। तब इसे आप देख सकते हैं, इसे अच्छी तरह से उबाल आने तक इसे आधा कर देना है चला के। फिर इसे एक बॉल में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद अब इसे ठंडा होने तक इसे रहने देंगे, जब तक कि ये ठंडा ना हो जाए। इसके बाद जो ऐड करूँगी वो है 1 टेबल स्पून बेसन, यानी कि 1 चम्मच बेसन इसमें ऐड करना है, और आपको इसमें कस्तूरी हल्दी ऐड करना है। अगर कस्तूरी हल्दी नहीं है तो आप कोई भी हल्दी, कच्चा हल्दी भी डाल सकते हैं, यानी कि टर्मरिक भी डाल सकते हैं। इसके बाद जो है, अब इसमें जो लास्ट इंग्रेडिएंट्स है वो है कोकोनट ऑयल। अगर आपके पास बादाम तेल है, बादाम ऑयल है, आलमंड ऑयल है, वो भी डाल सकते हैं। आप
कोकोनट ऑयल भी यानी कि नारियल तेल भी आप इसमें डाल सकते हो, और इसे अच्छी तरह से मिलाना है, कोई लम्स ना रह जाए इसमें, क्योंकि ये थोड़ी गाढ़ी हो गई है तो इसमें बेसन अच्छी तरह से नहीं मिला है, हमें इसे अच्छी तरह से फेंटना है ताकि सारे आपको थिकनेस का ख्याल रखना है, ज़्यादा पतली नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसकी थिकनेस ऐसी होनी चाहिए, इसकी थिकनेस, तो फेस को अपनी तरह अच्छी तरह से क्लीन कर लेना, उसके बाद अपने फेस पे अप्लाई करना। तो मैंने अपने फेस को धो लिया है, अपने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, तो अब इसे अपने फेस पर अप्लाई करके आप लोगों को दिखाती हूँ। आपको फेस में पूरी तरह से अप्लाई करना है। आपको याद रहे कि आपके ज़्यादा हेयर जहाँ पे हैं जैसे कान के पास या आपके आईब्रो पे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये चीनी इसमें डालने के बाद ये थोड़ा हार्ड हो जाता है, जिससे अगर ज़्यादा जहाँ पे बाल है उस जगह पे जल्दी नहीं छूटता है। तो ये हम पूरी तरह से अपने फेस पे लगा ली हूँ। तो अब लगाने के बाद इसे आपको जब तक सूख ना जाए तब तक आप अपने फेस पे लगा रहना है। तो मेरे देख सकते मेरे करीब 25 से 30 मिनट लग गए इसे सूखने में, तो ये सूख गए हैं। आपको अपर डायरेक्शन में इसे हटाना है, आपको नीचे से ऊपर आपको हटाना है। मैं पूरा फेस क्लीन कर लेती हूँ, तो आप देख सकते मेरे फेस में कितनी ग्लोइंग आ गई है। इसके बाद आपके चेहरे में ब्राइटनेस आ जाएगा, शाइन आ जाएगा आपके चेहरे में। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में बताइएगा, और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे जाके सारे वीडियोज आप देख सकते हैं, और देख सकते हैं मेरे चेहरे में कितनी शाइन आ गई है, जितने भी छोटे छोटे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे स्किन में कैसे ग्लोइंग आ गई है। ऐसे अगर आप इसे रिमूव करने के बाद आप अपने चेहरे में जो भी आप मॉइस्चराइज़र यूज करते हैं वो आप लगा सकते हैं। अगर मॉइस्चराइज नहीं भी है तो पतंजलि का या फ्रेश एलोवेरा जेल आप अपने फेस पे लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसे रेगुलर अगर आप सप्ते में एक बार अगर आप इसे यूज करते हैं तो आपके अनचाहे बाल, जितने भी अनवांटेड हेयर हैं, जितने भी फेशियल हेयर हैं, वो रिमूव हो जाएंगे और आपका स्किन ग्लोइंग दिखने लगेगा। इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है, बेझिझक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे घर के ही सामानों से बना है। तो फ्रेंड्स आपको ये होम रेमेडी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।